हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ये एकादश पाठ बेटा पढ़ाए थे, पुनः मूषका भव। ये जो मैंने आप लोगों को कहानी पढ़ाई थी उसका आज मैं आप लोगों को ये जो शब्दार्थ है और ये क्वेश्चन आंसर है, अभ्यास में जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं करवाने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को शब्दार्थ बताऊँ बेटा। शब्दार्थ तो देखो, शब्दार्थ में क्या है, बिडाल। बिडालह का मतलब क्या होता है, बिलाव। बिलाव मीन्स कैट, बिल्ली का जो वो होता है बिलाव उसे बोलते हैं, मीन्स पुलिंग। बिल्ली के पुलिंग जो होता है वो बिलाव हो गया। उसके बाद है भीतह। भीतह मीन्स क्या होता है, भयभीत। भीतह मीन्स क्या होता है बेटा, भयभीत। क्रोडम, क्रोडम मीन्स होता है गोद। इत अस्तत मीन्स होता है इधर उधर। यावत मीन्स होता है जब तक। उपकर्तातु मीन्स होता है उपकारी का। तो चलिए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझा दूं बेटा। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, क में आश्रम में कह बसती अस्म। अब आश्रम में कौन रहता था बेटा, तो योग सिद्ध मुनि। आश्रम में एक योग सिद्ध मुनि बसती अस्म। आश्रम में कौन रहता था, योग सिद्ध मुनि रहता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, मूषकः कस्मात् भीतः मुने क्रोडं समाश्रयेत। मूषकः जो चूहा जो था, किस कारण मुनि के गोद में समाश्रयेत में गोद में बैजा के बैठ गया। मूषकः बिडालात् भीतः मुने क्रोडं समाश्रयेत। मूषकः जो है क्या नाम है, बिडाल के डर से भीतः, मीन्स क्या होता है, भीतः मीन्स होता है भयभीत या डर। बिडाल के डर से क्या क्या मुनि के गोद में बैठ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, मूषकः बिडालात् भीतः मुने क्रोडं समाश्रयेत। गौर नंबर है, व्याघ्र भीतः स्वा किम अकरोत्। व्याघ्रात् भीतः स्वा इत अस्तत अधावत। क्या होगा इसका आंसर बेटा, व्याघ्रात भीतः स्वाहा इत अस्तत अधावत। क्वेश्चन नंबर घ देखिए क्या है, व्याघ्र भूत्वा स्वा किम अचिंत्यत। स्वा अचिंत्यत यावत अयंग योग सिद्ध मुनि जीवित तावत ऐसा प्रावाद दुर्नि बारह अस्ति अतः एन मुनि भक्ष्यामि। व्याघ्र जो था वो जब वो बाघ बन गया तो वो किस चिंता में था, तो क्या है, स्वा अचिंत्यत, वह इस चिंता में था जब तक ये मुनि योगसिद्ध मुनि जिंदा रहेगा तब तक सब मुझे ताना मारते ही रहेंगे, इसलिए मैं इस मुनि को ही समाप्त कर दूं। क्वेश्चन नंबर वहाँ में है, किम मुनि व्याघ्रंग पुनः मूषकम अकरोत। तो है आम मीन्स होता है हाँ। क्या है, किम मुनि व्याघ्र पुनः मूषकम अकरोत। क्या मुनि ने ये व्याघ्रंग मीन्स बाघ को क्या किया, फिर से चूहा बना दिया। आमा के बाद क्या है, ये कौमा। आमा का मतलब होता है हाँ। आमा का मतलब क्या होता है, हाँ मुनि व्याघ्रंग पुनः मूषकम अकरोत। लास्ट में चौ नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, अधमा उच्च पदंग प्राप्त किम न स्मरंती। तो क्या होगा, अधमा उच्च पदंग प्राप्यंग उपकर्तु न स्मरंती। उसके बाद है बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वह है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो क नंबर में क्या है, सह मुनि एकदा बिडालात् भीतम एकम मूषकम अपश्यत। पहला में क्या होगा, मूषकम। उसके बाद है ख, स्वत पोवलेन तंग मूषकम बिडाल अकरोत। दूसरा का आंसर क्या होगा, बिडाल। पश्यत योग सिद्धस्य तपोबलस्य प्रभावम। घ नंबर में क्या होगा, तपोबलस्य। घ नंबर में क्या है, यदैव सह एवं अकथयत तदैव सह व्याघ्र पुनः मूषक अभवत। घ नंबर में क्या होगा बेटा, व्याघ्र। उसके बाद है वहाँ में है, स्वा व्याघ्रात भीतः बने इत अस्तत अधावत। क्या होगा इसमें, व्याघ्रात। लास्ट में
लास्ट नंबर है अतः भयंकरापि कस्यादि उपकारं न विस्मरेम। तो लास्ट में चौ नंबर में क्या होगा, उपकारं क्या है, अतः भयंकरापि कस्यादि उपकारं न विस्मरेम। उसके बाद है लास्ट में क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे शब्द दिया गया है उसका संधि विच्छेद करना है, क्या है कस्यापि, कस्यापि क्या होगा कस्य प्लस अपि क्या हो जाएगा कस्यापि, य और ओ यह दो य प्लस ओ यह दोनों मिलके क्या हो जाएगा या कस्यापि। इत्यर्थ इत्यर्थं इतिजोर अर्थं इत्यर्थं इतिजोर अर्थं। उसके बाद है सदैव सदाजोर एव का क्या हो जाएगा सदैव। उसके बाद है कदापि कदाजोर अपि कदापि स्वतो पवलेन स्व जोर तपो बलेन क्या है स्व स्व तपो बलेन, तो इसका क्या हो जाएगा स्व प्लस तपो बलेन। एबाब गच्छत एब जोर अब गच्छत लास्ट वाला का क्या होगा एब जोर अब गच्छत। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज करा दी हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी बेटा। एक बार आप लोग फिर से ये क्वेश्चन देख लीजिए, पहले शब्दार्थ देखिए उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा देख लीजिए आप लोग अच्छा से। ओके थैंक यू।